राम मंदिर उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या में बीजेपी की अहम बैठक है आज। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस दौरान मौजूद रहेंगे। जी हां, बीजेपी की अहम बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राम मंदिर उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है और इससे पहले तैयारियां जो हैं वो जोरों पर है। इसी को लेकर आज बीजेपी की अहम बैठक अयोध्या में होने वाली है और इस बैठक में सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अयोध्या में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस दौरान मौजूद रहेंगे बैठक में और सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ जो पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और उससे पहले लगातार एक के बाद एक मंत्री का या फिर मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर कल दौरे पर थे, अयोध्या के दौरे पर थे। उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया और आज पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सुनील बंसल, तमाम जो मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और बीजेपी की आज अहम बैठक होने वाली है। तैयारियों को किस तरीके से अंतिम रूप देना है, किस तरीके से जो यहाँ पर्यटक आए उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो पाए, इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो चल रही है। और इसी पर आज निरीक्षण करते हुए, जायजा करते हुए, बैठक करते बीजेपी के तमाम नेता नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बैठक में चर्चा होगी। बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह शामिल होंगे। अयोध्या से बड़ी खबर, जहां पर अयोध्या में बीजेपी की अहम बैठक है आज और इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सुनील बंसल और साथ ही साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर तमाम बीजेपी के नेता इसमें जुटे हुए हैं। एक के बाद एक बैठक चल रही है यहाँ पर। कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर थे, उन्होंने जायजा लिया। सबसे पहले अयोध्या पहुंचने के बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, इसके बाद रामलला के दर्शन पूजन भी वो करते नजर आए और तमाम अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ बैठक करते जायजा लेते नजर आए। हर एक पहलुओं पर खुद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक पहलुओं पर नजर बनाए हुए हैं, जायजा लेते नजर आ रहे हैं। और इसी दौरान आज पर्यटन मंत्री बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है और इसमें सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बैठक में चर्चा होगी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सुनील बंसल और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बैठक में चर्चा होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, किस तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप देना है इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुनील बंसल बैठक में मौजूद रहेंगे और इसी के साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम बीजेपी के नेता और मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो 22 जनवरी को होना है उसी को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। आपको बता दें कि पूरे देश भर में इस वक्त जो माहौल है वो राममय है, भक्तों में खासा उत्साह है, राम भक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब 10 या 11 दिन का समय रह गया है। राम भक्तों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 500 वर्षों का इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है और वो तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। और इन्हीं तैयारियों का जायजा लेते लगातार मंत्री नजर आ रहे हैं, चाहे वो पर्यटन मंत्री हो, परिवहन मंत्री हो।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता लालचंद और इससे पर अयोध्या से हमारे साथ हमारे संवाददाता केके शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। केके, सबसे पहले आपके पास आते हुए अयोध्या में आज बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है जिसमें पर्यटन मंत्री सुनील बंसल और इसी के साथ बीएल संतोष शामिल होंगे। तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी बैठक को लेकर सबसे पहले बताइए। जी दिव्या जी, आपको बता दें कि प्रभु रामलला के प्राण के पहले ही और कल मंत्री द्वारा आके निरीक्षण किया गया, कई अहम बैठक के वो बताई गई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या अन्य जानकारी दी गई है। आज इसी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री के आने के पहले ही भाजपा के बड़े चेहरे द्वारा आज यहाँ पर बैठक की जा रही है। कई मंत्री आ रहे हैं, इसमें कई लोग आ रहे हैं और लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या कई अन्य मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। एक मैप बनाया जाएगा कि अयोध्या जिले में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कैसी तैयारियां करनी है, कैसा मैप रहना चाहिए, हर एक प्रकार से अयोध्या को हाईटेक बना देने की का पूरा लक्ष्य है। और इसी मुद्दे को लेकर आज अयोध्या में भाजपा के बड़े चेहरे या सुनील बंसल जैसे बड़े चेहरे द्वारा अयोध्या में जिले में आज बैठक की जाएगी और अहम फैसला लिया जाएगा। जी क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर खुद दौरे पर थे और उन्होंने खुद हर एक पहलुओं पर बारीकी से जानकारी लेते नजर आए, जायजा लेते नजर आए। जी दिव्या जी, आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री के आने के पहले ही अयोध्या जिले में ऐसी सुविधा ऐसी ऐसा ऐसा माहौल बना देना चाहते हैं कि अयोध्या जिला जो है भगवान राममय हो ही गया है, लेकिन प्रधानमंत्री के आने के पहले मुख्यमंत्री का अभी एक और दौरा हो सकता है अयोध्या जिले में। लगातार हर एक पहलू की जांच कर रहे हैं, कई परियोजनाओं का पर चर्चा भी किए हैं, कहीं पर कोई दिक्कत ना रह जाने पाए, इस वजह से प्रधानमंत्री के आने के पहले ही हर प्रकार से हर एक पहलू पर जांच कर रहे हैं, समीक्षा बैठक किए, मंदिर का निर्माण का भी निरीक्षण किए, उनके द्वारा कई अहम मुद्दे पर चर्चा की गई, बैठक की गई, लोगों को दिशा निर्देश दिया गया, अधिकारियों कर्मचारियों को सुरक्षा के बारे में विशेष बात बताई गई है। मुख्यमंत्री के द्वारा यह बताया गया है कि सुरक्षा में कहीं पर कोई चूक न रह जाने पाए, ऐसी सुरक्षा अयोध्या जिले में देनी है क्योंकि 7000 वीवीआईपी लोग आएंगे, उनको कोई भी दिक्कत न होने पाए, ऐसा अयोध्या जिले में लगातार सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। ठीक है केके, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता लालचंद भी जुड़े हुए हैं। लालचंद, आपके पास आते हुए आज बैठक होने वाली है बीजेपी की, ये अहम बैठक अयोध्या में होने वाली है जिसमें तमाम मंत्री शामिल होंगे, क्या कुछ जानकारी है, कौन कौन मंत्री इसमें शामिल होंगे पर्यटन मंत्री के अलावा? जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है जिसकी 22 जनवरी को प्रतिष्ठा होगी, देश के प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति और इसके साथ तमाम देश विदेश के लोग इसमें शामिल होंगे और इसके साथ बड़ी संख्या में साधु संत को आमंत्रित किया गया है, तो जाहिर सी बात है एक भव्य नजारा होगा 22 जनवरी को, जिसकी तैयारी लगातार जो है मुख्यमंत्री के निर्देश क्रम में जो है की जा रही है और मुख्यमंत्री खुद इस पर निगरानी रखते हुए खुद लगातार दौरा करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज अयोध्या में जो है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की बड़ी बैठक है जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, इसके बाद संगठन राष्ट्रीय महामंत्री जो है सुनील बंसल के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इसके साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ और तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जयवीर सिंह जो पर्यटन मंत्री है वो भी शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है एक बड़ी बैठक आज होने जा रही है जिसमें यह तय किया जाएगा कि जिस तरीके से प्रतिष्ठा होगी उसको कैसे पूरे देश दुनिया को दिखाया जा सके, इसको लेकर यहाँ पर तैयारी करती हुई बीजेपी दिखाई देगी, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से जो है पूरे देश में जो है राममय हो सके इसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि बीजेपी की आज बड़ी बैठक और बड़ी बैठक में बीएल संतोष, सुनील बंसल, भूपेंद्र चौधरी, इसके साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के साथ तमाम और बड़े पदाधिकारी यहां पर शामिल होंगे और एक रणनीति तैयार की जाएगी कि जो है
पूरे देश को जो है राममय मनाया जा सके, भगवामय बनाया जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार शुरू से प्लान कर रही है, लगातार तैयारी कर रही है। और यही वजह है कि आज बैठक के जरिए कहीं ना कहीं जो कमियां रह गई हैं उसको भी कैसे दूर किया जाए, इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कल भी मुख्यमंत्री का दौरा था, आने वाले समय में भी लगातार मुख्यमंत्री का दौरा देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न नहीं हो जाता तब तक कहीं ना कहीं देश दुनिया की निगाहें जो है अयोध्या तक टिकी हुई है। और लगातार अलग अलग तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, जिस तरीके से उत्सव मनाया जाएगा उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तैयारी की जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने पूरी तैयारी की है कि हर एक घर में 5 दिया जले, इसको लेकर भी जनता के बीच जा रहे हैं। और बीजेपी इसी को लेकर बैठक भी करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देश और दुनिया की नजरें कहीं ना कहीं 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर होगी, और इसको देखने के लिए, इसको दिखाने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी किसी भी प्रकार से कमी नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि आज बीजेपी की अयोध्या में एक बड़ी बैठक है, तमाम बड़े चेहरे वहां पर शामिल होंगे, और जो कमियां उसको और कैसे दूर किया जा सके, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो भव्य और दिव्य अयोध्या का नजारा होगा, इसको देखने के लिए तमाम जो है तैयारियां की जा रही है। और यही वजह है कि आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। जी जी, लालचंद, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किस तरह की देश भर में हलचल है हम सभी देख रहे हैं, लेकिन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल दिव्या, जिस तरीके से अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, लोगों में काफी उत्साह है, लोगों को जो है वो पल का इंतजार है कि जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा, तमाम साधु संत जो हजारों की संख्या में पहुंचेंगे उनको भी जो है कहीं ना कहीं इंतजार है। कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम जब अपने जो है गर्भगृह में स्थापित होंगे तो उसको देखने के लिए जो बीजेपी ने प्लान किया है कि सब जगह पर, सभी सोशल मीडिया पर, चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे सोशल मीडिया हो, तमाम जगहों पर जो है लोगों को लाइव तस्वीरें दिखाई जा सके, LED की लगाई जा सके, इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। अभी से ही राजधानी लखनऊ से लेकर अयोध्या तक रूट का डायवर्जन किया गया है, तमाम पुलिस फोर्स तैनाती है, कहाँ कहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज उतरेंगे इसको लेकर भी तमाम तैयारियां की गई। इसके साथ ही राजधानी लखनऊ में जो अभी तक पुलिसकर्मी पुलिस लाइन में जो है रह रहे थे उनको भी जो है सड़कों पर उतारा गया, और बड़ी तैयारी यहां पर चली है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश का जो है मुख्यालय है लखनऊ से जाहिर बात है, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो, सारे जो मंत्री हैं, सारे विभाग है जो वो राजधानी लखनऊ में, वो सबकी तैयारियां दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से बीजेपी ने पूरी तरीके से तैयारी की है कि राममय बनाया जा सके, पूरे देश को, देश दुनिया अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है देखी जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारी की जा रही है। जी ठीक है लालचंद, लौटूंगी आपके पास, के भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, के आपके पास आते हुए, पूरे देश भर से संत को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, तमाम जो देश भर के कोने कोने से संत साधु है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके आगमन को लेकर किस तरह की तैयारियां अयोध्या में की गई है? के पूरे देश भर से साधु संत यहां पर पहुंचने वाले हैं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, उनके आगमन को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है? जी दीपा जी, भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को पहले ही साधु संत के आवागमन यहां पर शुरू हो गए हैं, लगातार उनके लिए हर एक सुरक्षा के इंतजाम है, मुख्यमंत्री द्वारा कल उसका भी निरीक्षण किया गया, साधु संतों के रोकने के लिए उनके उचित व्यवस्था, खाने के लिए भी, उनके रहने के लिए भी, हर एक मुद्दे पर मुख्यमंत्री द्वारा ही कल निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया कि किसी प्रकार के किसी भी साधु संत को और जो भी प्रभु राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किए गए हैं उनको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए अयोध्या जिले में उनके पहुंचने पर, जैसा भी कोई भी जत्था पहुंच रहा है भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में, उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है, उनकी आरती उतारी जा रही है, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की जा रही है, ताकि वह अपने देश में जाके बता सकें, या जिस जिले से हो, जिस जगह से हो, दिखा सके, बता सके कि हमारा अयोध्या एक
अच्छा अयोध्या है और किस प्रकार से साधु संतों के और जो पर्यटक लोग यहाँ पर आ रहे हैं किस प्रकार से उनका स्वागत होता है, किस प्रकार से प्रभु रामलला के स्वागत के बाद में उनका उनको दर्शन कराया जाता है और उनकी हर एक प्रकार से सुविधा दी जा रही है। यह ट्रस्ट द्वारा भी कुछ जानकारी भी दी गई है चंपत राय द्वारा की साधु संतों को जो निमंत्रण दिया जा रहा है उनके लिए भी अच्छी सुविधा मुहैया कराई जा रही है ट्रस्ट द्वारा और लगातार सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी उनके लिए पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि कोई किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। दीपा जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।